मैंने अपने परिवार को छोड़ा है, मैंने अपने माँ बाप को छोड़ा है, लेकिन आज मुझे अपराधी बनाया जा रहा है। महोदय, याद है वो योगी जो सदन में अपने संरक्षण को लेकर रोया था? सदन मुझे संरक्षण दे पाएगा या नहीं दे पाएगा? You are a very honorable member of the house. मुझे संरक्षण नहीं दे सकता है, तो मैं आज ही सदन को छोड़ करके वापस जाना चाहता हूँ। ये वो दौर था जब प्रदेश में सपा थी, अतीक मुख्तार जैसे माफियाओं का जलजला था। तब योगी के साथ इतना अत्याचार हुआ कि सदन में वो फफक फफक के अपने आप को बचाने की मांग कर रहे थे। न सिर्फ योगी का समय बदला बल्कि प्रदेश का समय बदला। एक गर्मी जो अभी किराना में और मुजफ्फरनगर में कुछ जगह दिखाई दे रही है ना, ये सब शांत हो जाएगी इसके बाद। चलो कहते थे राम मंदिर के मुद्दे पर अगर फैसला हुआ खून की नदियां बहेंगी, मैं कहता था देखो भाई कुछ एक मच्छर भी नहीं मरने वाला है। गुंडों माफियाओं का गढ़ कहे जाने वाला उत्तर प्रदेश अब उस नेतृत्व में है जहां माफियाओं को मिट्टी में मिलाया जाता है। वो समय आपको याद है जब योगी लोकसभा चुनाव के समय आए दिन दिल्ली के चक्कर काटा करते थे। कारण था कि पार्टी में आपसी कलह की खबरें इधर उधर से सुनाई देती थी। योगी का समय खराब था और लोकसभा चुनाव में प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी भाजपा पर हावी दिखी तो विपक्षियों ने और विरोधियों ने योगी पर खूब तंज कसा। सवाल आने लगे, क्या योगी का समय पूरा हो गया? क्या योगी में अब वो बात नहीं रह गई? फिर समय बदला और योगी आ गए उसी पुराने अंदाज में। दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले लोग बुलडोजर के सामने वैसे पस्त हो जाएंगे। लिप्त माफिया को के सामने ये लोग घुटना टेक करके नाक रगड़ने का काम करते थे कि जैसे कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं हो सकती, वैसे ही ये समाजवादी पार्टी के दरिंदे जो बेटियों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ये कभी ठीक नहीं हो सकते। न सिर्फ बयानों से बल्कि अपने कामों से भी योगी एक बार फिर चर्चा में है। कभी ऑपरेशन व्हीलचेयर चलाकर अपराधियों के दिमाग ठिकाने लगा रहे हैं, तो कभी पुलिस परीक्षा पर लगे दाग को मिटाते हुए बिना किसी दिक्कत के एग्जाम करवा रहे हैं। प्रदेश के अंदर तरह तरह की योजनाओं का शिलान्यास कर रहे हैं। योगी का ये बदलता रूप अब न सिर्फ चुनावी सियासत को गर्म कर रहा है बल्कि विपक्षियों में ये टेंशन भी पैदा कर रहा है कि आखिर योगी का तोड़ लाया जाए तो कहां से लाया जाए। आज योगी एक बार फिर से पूरे फॉर्म में नजर आ रहे हैं और उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव को लेकर पूरी तरह से एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। ये वही झलक है जब 2017 में वो पहली बार सीएम बने थे और बैक टू बैक कुछ ऐसे काम और ऐसे बयान दे रहे थे जिसने अपराधियों, माफिया गुंडों और साथ ही साथ विपक्षी दलों के होश उड़ा दिए थे। सीएम योगी इस समय एक के बाद एक बयान दे रहे हैं, कभी सपाइयों को गुंडों माफियाओं के आगे नाक रगड़ने वाला बताते हैं, माफिया को के सामने लोग घुटना टेक करके नाक रगड़ने का काम करते थे, तो कभी राहुल और अखिलेश को महिषासुर। इन लोगों को जब भी जनता जनार्दन ने शक्ति दी है तो इन्होंने उस शक्ति का दुरुपयोग किया है, वैसे ही जैसे किसी कालखंड में भस्मासुर ने किया था। और अब कुत्ते की पूंछ से तुलना करके हाहाकार मचा दिया है। कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं हो सकती, वैसे ही ये समाजवादी पार्टी के दरिंदे जो बेटियों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ये कभी ठीक नहीं हो सकते। इनके लिए तो कानून के दायरे में ला करके इन पे शिकंजा कसना पड़ेगा और हमारी सरकार वही काम कर रही है इनके साथ में। बाबा का ये रूप विपक्षियों के लिए एक नई चुनौती बनकर सामने आया है जिसका सामना करना फिलहाल विपक्ष के बस का तो नहीं दिखाई दे रहा। बाबा के बारे में आपकी क्या राय है और ये बाबा का बदलता स्वरूप जो उनके पुराने अंदाज को याद दिलाता है वो आपको कैसे लग रहा है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।